बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन मसाला, बहुत ही टेस्टी बनता है। चिकन मसाला कैसे बनेगा? 2 किलो चिकन है, टमाटर मिर्च हमने काट ली थी, प्याज है, क्योंकि मसाला चिकन मसाला हमने बनाना है इसलिए मसाले थोड़े ज़्यादा रखे हैं। 1 प्याली घी है, 5 चम्मच मिर्च है लाल, 4 चम्मच नमक है, ये अदरक हमने अदरक का पेस्ट बना लिया था, हल्दी है 1.5 चम्मच और कोरमा मसाला 1.5 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आग लग चुकी है, चूल्हे पे हम कढ़ाई रख देंगे, इसमें घी डाल देंगे। घी को गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें प्याज वगैरह डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घी गर्म हो गया, इसमें प्याज डालेंगे। प्याज का कलर हमने ब्राउन करना है, चिकन के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम घी थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा और हम डालेंगे इसमें, क्योंकि चिकन मसाला हमने बनाना है तो मसाला जो है ज़्यादा, इसलिए घी थोड़ा ज़्यादा चाहिए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज को हमने ब्राउन कर लिया, देखें अब हम इसमें टमाटर मिर्च डाल देंगे। साथ ही हम नमक मिर्च वगैरह डाल देंगे। अच्छी तरीके से मसाले को हमने भून लेना है, नीचे लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये नीचे नहीं लगे। नीचे लगना शुरू हो गया मसाला, थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम। मसाला रेडी हो गया, ये देखें जितना अच्छा मसाला बनेगा उतना ही अच्छा सालन बनेगा। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, क्योंकि 2 किलो चिकन हमारे पास। चिकन को मसाले के अंदर हमने भूनना है। चिकन मसाला जो है थोड़ा सा नीचे लगना शुरू हो गया था, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला ताकि नीचे ना लगे। बिस्म
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखें, हमने इसमें गिलास का जो तीसरा हिस्सा ना, इसमें पानी डाला था, बाद में चिकन अपना पानी खुद छोड़ दिया और उसी के अंदर हमने चिकन को भून लिया, पानी नहीं डाला। तो चिकन हमारा रेडी है, अब हम इसको नीचे उतार देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को हमने नीचे उतार दिया था चूल्हे से, अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया को अच्छे इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। माशाल्लाह बहुत बड़ी खुशबू आ रही है चिकन की। Thank you.